वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों फ्रेंड्स होंगे। कितनी छोटी दुनिया है ना। और बताओ, अचानक से मिलने क्यों बुलाया? एक हफ्ता या एक महीना, कभी ना कभी तो बताना ही था। बस सोचा नहीं था कि इस तरह बताना पड़ेगा। अगर हम दोनों दोस्त नहीं होते तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती, मगर दोस्त हैं तो हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो क्या बोलना, मैं जाऊं क्या? नहीं माया, जब से इसने तुम्हारी भाई की शादी में तुम्हें देखा है, इसका दिल फिसल गया। दिन रात इसका दिल बस तुम्हारा ही नाम जपता रहता है। वैसे तो ये कभी लड़कियों के बारे में बात नहीं करता। पहली बार इसने तुम्हारे बारे में दिल से बात की। तुम्हें बताने से डरता है, बट ही लव्स यू अ लॉट। अब तो बता दे यार। सुना था पर यकीन नहीं था कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। और मुझे भी हुआ, परियों से भी सुंदर लड़की से जो मेरे सामने है। जमाना ही ऐसा है कि लोग प्यार करने से डरते हैं। कहते हैं कि पहले एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे बंधन जोड़ना है या तोड़ना है। पर तुम्हें देखते ही लगा कि तुम ही वो हो जिसके साथ मैं बूढ़ा होना चाहूंगा। क्या बात है वासु, तूने तो चौका मार दिया। इसने तो अपनी फीलिंग्स नदी की तरह बहा दी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये तुमसे इतना प्यार करता है। हमारी दोस्ती से बड़ी दुनिया में और कोई चीज नहीं है। जिंदगी में हर चीज कैजुअली लेता हूं मैं, इसे सीरियसली ले लिया। और इसके बाद तुम्हें, हम दोनों एक एक्सीडेंट में मिले। दोनों को इत्तेफाक से म्यूजिक पसंद था। पता नहीं इस सफर में कब तुम पर दिल आ गया। मेरे लिए भी ये सब नया है माया। सोचा था इसके लौटते ही तुमसे मिलकर तुम्हें सब बता दूंगा, और देखो इसके सामने ही तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं। सोचता था लड़कियों से प्यार करना, उन्हें प्रपोज करना, जीने मरने की कस्में खाना, ये सब टाइम वेस्ट है। पर जब से तुम्हें देखा है माया, जिंदगी भर टाइम वेस्ट कर सकता हूं। जब किसी से प्यार करते हैं तो दिन रात उसकी बातें करते हैं, पर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं माया कि बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाए। आई एम इन लव विद यू। हां कहो या ना कहो, मेरा फ्यूचर जो भी हो, यू विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ।